सर हम यहाँ 3-5 दिन से यहाँ रीट लेवल 2 से पीड़ित व्यक्ति यहाँ ठहरे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर, लेकिन हमारी मांगे नहीं तो सरकार मांग रही है, और नहीं हमारी मांगे ये निदेशालय वाले जो यहाँ बैठे हुए ये मांग रहे हैं, नहीं हमें कोई सही जवाब दे रहे हैं, जिसके वजह से आज हम 5 दिन से 50 डिग्री तापमान के अंदर यहाँ ठहरे हुए हैं। हमारी मांग रीट लेवल 2 से संबंधित है, क्योंकि हमारे सब्जेक्टों में 95% पद खाली पड़े हैं और सामाजिक ज्ञान के अंदर 40% पद खाली पड़े हैं। इसके बावजूद ये कह रहे हैं हमारी तृतीय लिस्ट निकालने की कोई हमारे पास प्रावधान नहीं है, हमें सरकार से आदेश दिलवा दो। हम जयपुर जाते हैं तो वहाँ शिक्षा मंत्री कहते हैं कि वहाँ निदेशालय से बात करो, वो हमें कहेंगे अगर रूल है तो हम निकाल देंगे, जबकि हमारा काम कोई नहीं कर रहा है। इस वजह से हमें मजबूर होके सर यहाँ धरने पर बैठना पड़ा है, और हमारी तबीयत खराब हो रही है इनकी वजह से हो रही है। सर हम चाहते हैं कि हमारी उचित मांग जो वादा किया था सरकार ने कि हम 54,000 की रीट की भर्ती पूरी करेंगे, तो वो वादा अपना निभाओ, क्योंकि हमारे अभी भी रीट लेवल 2 में 3500 पद रिक्त पड़े हैं। जबकि आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम यहाँ सहायक निदेशक को और किशनदान जी चारण हैं जो मेन डायरेक्टर यहाँ इनका रीट लेवल 2 से संबंधित हैं, उनको ज्ञापन देने के लिए आए हैं, दूसरी बार देने के लिए आए हैं, जबकि इनसे कोई हमें सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा है, नहीं ये हमारी बातों को सुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बातों पर गौर करो और आगे भी पहुँचाओ और आप भी उठाओ, लेकिन यहाँ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा है। मजबूरन हमें यहाँ धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो रहे हैं। राजेंद्र दायल, तारानगर, चूरू।